श्री गणेश को प्राप्त करने के बाद माता पार्वती अपने परिवार में ऐसे रम गई थी जैसे वे अपने आप को भूल गई हों कि वे जगत माता भी हैं। क्योंकि जगत कल्याण के लिए माता आदिशक्ति समय समय पर अलग अलग रूप धारण करती हैं। इसलिए ब्रह्मा देव ने महादेव के पास जाकर कहा कि माता पार्वती तो अपने आप को भूल ही गई हैं कि वे आदिशक्ति हैं। तो ब्रह्मा देव ने कहा कि उन्हें शीघ्र स्मरण कराना होगा कि वे आदिशक्ति हैं। महादेव ने कहा कि अभी तो उन्हें अन्य रूप धारण करने का कोई कारण भी नहीं है। तो ब्रह्मा देव ने कहा कि इसका तो एक ही उपाय है, आपको उनकी निंदा अर्थात अपमान करना होगा। महादेव ने कहा उनमें तो कोई दोष भी नहीं है जिसकी मैं निंदा करूं, उनका तो संपूर्ण प्रतिरूप दिव्यता का प्रतीक है। जगत कल्याण के लिए आपको ऐसा करना ही होगा। ब्रह्मा देव के कहने पर प्रभु महादेव माता की मुख से निंदा न कर सके तो मन में ही उन्होंने माता पार्वती की निंदा कर दी कि पार्वती मुझे आपकी दिव्यता में दोष दिखाई देता है, मुझे आपका रूप दिव्य प्रतीत नहीं होता है। ये माता पार्वती ने जान लिया था कि प्रभु महादेव ने अपने मन में कुछ कहा है। माता सोच रही थी कि जरूर आपने मेरी प्रशंसा की होगी। जब किसी की जिज्ञासा जागृत हो जाए तो वो सत्य ज्ञात होने पर ही शांत होती है। आग्रह करने पर भी प्रभु महादेव ने नहीं बताया तो माता ने अपनी दिव्य दृष्टि से जान लिया था कि प्रभु महादेव ने माता की निंदा की है। क्योंकि माता पार्वती ही आदिशक्ति है, भूत भविष्य सब जान लेती है। प्रभु की निंदा से माता क्रोधित हो गई थी और कैलाश का परित्याग कर चली गई थी।